आज हम लोग नाइन्थ क्लास सुपर सेक्शन का टेस्ट देते हैं। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। चेक करते हैं बच्चों की प्रिपरेशन कितनी है। ये वो टेस्ट है जो पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि वाकई बच्चे इनके कितने लाइक है, कितने क्वेश्चन सुना रहे हैं। चलो अभी साकिब बताइए, फुल तैयारी है? ओके बताएं चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। ओके डिफाइन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। Define acceleration. Acceleration is defined as the rate of change of velocity of a body's normal. Formula. A is equals to V over T. Unit. Meter per second square. Okay. अब आप मुझे बताएं कि acceleration scalar है कि vector है? Vector है. Acceleration की direction क्या होगी? Acceleration की direction जिस सिम्प्ट में मूव करेगी। जिस सिम्प्ट में velocity की होगी। जिस सिम्प्ट में। Okay. अब आप मुझे ये बताएं कि velocity scalar है कि vector? Velocity vector है। वेलोसिटी में चेंज आए तो क्या चीज पैदा होती है? वेलोसिटी में चेंज आए एक्सेलरेशन। यस। अब आप मुझे बताएं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने क्या किया था? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड किया था। वेरी गुड आंसर, बैठिए। चलो विस्मान रेडी हो? तैयारी की है? बताइए मोशन की कितनी टाइप्स है? थ्री टाइप्स। Mention their names. They are three types of motion: vibratory motion, rotatory motion, and translatory motion. Define translatory motion. The translatory motion of an object without any rotates the line may be. Give example. Straight or curves, insects and birds. Okay. Give types of translatory motion. Translatory motion. There are three types of translatory motion: circular motion, circular motion. अब मुझे बताएं ये जो वेलोसिटी है इसका क्या फार्मूला है? वेलोसिटी का S over T, वैसे आपको D over T कहना चाहिए था। ठीक है बैठिए आगे चलते हैं जी। फुल तैयारी है, बता दें फिर ये वेक्टर क्वांटिटी इसमें क्या चीज मतलब हट गई होती है? वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं, वेक्टर क्वांटिटीज बताए ना, इसमें क्या चीज इजाफी चाहिए होती है वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए? डायरेक्शन चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि आप कोई एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कोई वेक्टर क्वांटिटी एग्जाम्पल? हाँ मसलन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है अब आप मुझे बताएं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये इसकी वैल्यू ज्यादा होती है या डिस्टेंस की ज्यादा होती है? डिस्टेंस की ज्यादा। गुड हो गया। हाँ जी फुल तैयारी है, बताइए ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? ओके हो गया। अब आप मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट में जब चेंज आएगा था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ रही है। डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम पे डिवाइड करते हैं रेट हम बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड किया किसके बराबर आएगा आप बताइए? डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड किया क्या आया? वेलोसिटी आई। जब डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड किया क्या आया? गुड। जब वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड किया फिर क्या मिला? वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड एक्सीलरेशन। गुड। हाँ जी अब आप बताएं मुझे जब आपने डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड किया तो क्या चीज मिली? स्पीड। स्पीड स्केलर है कि वेक्टर है? बैठिए बताइए जी। डिफाइन काइनेमेटिक्स। आप मुझे बताएं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सुनाएं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू बाय VI का स्क्वायर माइनस VF का स्क्वायर। पहले बोल बैठिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला VI हाफ AT स्क्वायर। याद करें
हाँ जी इधर आते हैं जी, आप मुझे बताएं सेकंड इक्वेशन मोशन फार्मूला s = vi plus half a plus vit है बैठिए। थर्ड इक्वेशन मोशन s = vf vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, आप मुझे बता सकते हैं इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एन एक्सेलरेशन व्हेन इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यस यस नो? कैन यू प्रूव इट? किसी जिसम में एक्सेलरेशन होगा जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा? अगर होगा तो कितना होगा? नहीं होगा। बैठिए नेक्स्ट। खुशहाल बशीर खाना खा के आए हो, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। बताइए आप तारीफ करेंगे मोशन की, डिफाइन मोशन? इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। गुड, बैठिए। ये बच्चा छुट्टियां करके आए इसलिए, कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी सेट एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज पोजीशन इज कॉल्ड रेस्ट। हाँ जी, बैठिए। आप बताइए जी एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? A is equal to V divided by T। शाबाश। हाँ जी, स्पीड का यूनिट क्या है? स्पीड का मीटर पर सेकंड। शाबाश। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। शाबाश। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस डिस्टेंस मीटर पर सेकंड। ना ना, सोच के बता। मीटर पर स्क्वायर। नो नो, जी इस तरफ आते हैं नाजरीन, देखते हैं इन बच्चों को। हाँ जी, आप मुझे बताएं कि इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं आती? चले पूछ लेते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एन एक्सेलरेशन व्हेन इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नो। नो, करेक्ट आंसर। आप बताएं इस चैप्टर की हर चीज आती है? Yes. पूरी तैयार है? Yes. ये देख ले नाजरीन ऐसे बच्चे हैं कि पूरा पूरा चैप्टर जो इनका बिल्कुल रेडी है। बैठिए। हाँ जी, आप बताइए एवरेज स्पीड डेफिनेशन। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन, हाँ चलो, यूनिफॉर्म स्पीड किस बारे? बैठिए, एवरेज स्पीड का फार्मूला बताएं। स्पीड का फार्मूला एस इक्वल वी डिवाइडेड बाय टी। एवरेज स्पीड का फार्मूला वी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय टी। नो नो, एवरेज स्पीड का फार्मूला वी ए वी इज इक्वल टू वी ए वी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टी। नो, आप बताएं जी ये डिस्टेंस का यूनिट क्या है, फासले का यूनिट क्या है? फासले का वी ओवर एस। ना ना, यूनिट बताएं, यूनिट याद करें। देखा ना जिनकी तैयारी ना से सामने है बच्चे, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी का वी इक्वल टू ओवर टी। यूनिट यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन का यूनिट बताओ भी हैंडसम। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेल डन भाई। हां जी, टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का मीटर पर सेकंड। मीटर पर स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी का मीटर पर स्क्वायर। एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का तैयारी करें, सिर्फ तैयारी, बोर्ड में तैयारी का आमा नहीं है, मानी के बाद आए, कोई बात नहीं, तैयारी करें। बताइए जनाब डिस्टेंस का यूनिट क्या है? फासले का यूनिट मीटर पर। वेलोसिटी का यूनिट, वेलोसिटी का एम एम। आप भी याद करें, जिन बच्चों की तैयारी नहीं होती वो ही तो हमने एक्सपोज करने हैं। बताएं जी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड क्या है? वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मीटर। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्ट हैज बिटवीन टू पॉइंट व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी की डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला वी ए वी इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर वी ए डेल्टा डी। बैठिए। हाँ जी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। एक्सेलरेशन किसी सब वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी की किसी वेलोसिटी किसी दिशा में की स्पीड में तब्दीली। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सुनाएं फार्मूला। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टोटल है फर्स्ट इक्वेशन पहली मसावा सुनाए। पहली मसावा याद करें। तो इस तरह से हर बच्चे की प्रिपरेशन आपके सामने है, हर बच्चा वाजिया जी। बताइए फर्स्ट इक्वेशन सुनाए। वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। गुड जी, सेकंड इक्वेशन सुनाए। नहीं जी, ये नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी वन। एक्सेलरेशन का फार्मूला एक्सेलरेशन का टी इक्वल टू
ऐसे बनाओ ऐसे होते हाँ जी आप बताएं एक्सलेशन का फार्मूला क्या पड़ा है इक्वल वी वन वी टू ओवर थ्री ये वी एफ माइनस वी आई ओवर डी है फासले की तरीफ करें दो पॉइंट के दरमियान फासले दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला ये फासला है दो पॉइंट के दरमियान दो पॉइंट के स्केलर मिकदारों की तरीफ करें ट्रांसलेटरी मोशन की तरीफ करें ट्रांसलेटरी मोशन में बेटा जी मेहनत करें आप सुनाएं डिफाइन रैंडम मोशन ट्रांसलेटरी मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एज इक्वल वी आई टी प्लस वन वी आई प्लस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एज इक्वल वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी शाबाश तो नाज़रीन आपने देखा ये थी बच्चों की तैयारी मैं आपके सामने इन्हें मोटिवेट करूंगा कि वो बच्चे जो मुसलसल मेहनत करते हैं रेगुलर बेसिस पे छुट्टी नहीं करते सबक याद करते हैं घर जाके प्रैक्टिस करते हैं वो बच्चे ही बोर्ड में अच्छा रिजल्ट देते हैं और जो बच्चे आए दिन छुट्टी मारते हैं लेसन याद नहीं करते जिम्मेदारी नहीं उठाते उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती देखिए नाज़रीन आपको बता सकता हूं कि बच्चा फेल क्यों होता है बच्चा जब लेसन याद नहीं करता उसने अपना शेड्यूल नहीं बनाया होता वो मोटिवेट नहीं होता उसका मकसद नहीं होता ये तैयारी होगी मकसद के साथ मकसद बनाओगे तो मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे आपका ख्वाब जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बनने का तब पूरा होगा जब आप मेहनत करोगे किताबों के साथ कनेक्ट हो जाओगे पढ़ाई करें सिर्फ और सिर्फ कायदे से मोहम्मद जिन्ना ने फरमाया था कि अपनी सारी तवज्जो हसूल तालीम पर मरकूज कर दो बाकी सारे काम छोड़ दो सिर्फ पढ़ो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो जब आपको लेसन ही आएगा तो वालदे कैसे खुश होंगे रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा आप क्लास में टीचर का सामना नहीं कर सकते अगर आप अच्छा लेसन ही तैयार कर रहे डेली याद करें लिखें और मैंने पूरी क्लास आपके सामने रख दी है अब दोबारा कल तैयार करके आए ये सुन के साथ ही एक्सरसाइज करवाई जाएगी और ये आपके सामने दिखाऊंगा बच्चे जब यहाँ छुट्टी करने लगे छुट्टी करने का मंजर भी आप देखें ब्रिलियंट एकेडमी का चलिए जी अंदर चले अंदर चले याद करें काम मेहनत से होगा जब आप मेहनत करोगे ना जब आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह खुद जाओ तैयारी होगी मेहनत करो ठीक है फुल एफर्ट वेल्डन जबरदस्त भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है आपने जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो बच्चा जाओ